बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में नई सहेगा राजस्थान कैंपेन की शुरुआत की, साथ ही वीरांगनाओं को मंच पर स्वागत किया जो बीते दिनों सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठी थी। इस दौरान नड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये प्रदेश में लूट अत्याचार वाली सरकार है। अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थानागाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। ये थानागाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन ने एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है तो ये यहां की सरकार है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला के दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बाद में एफआईआर करने में भी गुरेजी की गई, यह है गहलोत की सरकार। और आपको ध्यान में होगा ना कि एक कांग्रेस का नेता, शायद मंत्री थे, जो विधानसभा में मंत्री थे, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में मुझे उनके वाक्य बोलने में भी शर्म आती है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करने का काम वो करते हैं। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झिकझोर